हेलो कक्षा 12 गणित के स्टूडेंट्स, समाकलन में चल रहा है आपका एक्सरसाइज 7.4। अभी हमने लगाई है, आज 7.5 बताएंगे। इसमें है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। एक्सरसाइज 7.5 पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे। तो देखिए आंशिक भिन्न को कैसे परिवर्तित करेंगे। देखिए आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर कैसे आंशिक भिन्न में व्यक्त करते हैं, तो दिया है तुम्हारा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। तो इसको लिखेंगे ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस टू। इन सवालों को कैसे लगाएं? तो यहाँ पे देखेंगे अगर हम इनका एलसीएम ले लें एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू पूरे दोनों, तो यहाँ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन, ऐसा लिख सकते हैं। दोनों में कैंसिल हो जाता है, इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन। अब क्या करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे एक्स की वैल्यू रख देंगे। अगर हमें ए की वैल्यू निकालना है तो एक्स की वैल्यू रख देंगे माइनस वन, जिससे ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन रखेंगे तो माइनस वन इसमें रखेंगे तो माइनस वन, फिर ए यहाँ पर माइनस वन प्लस टू प्लस बी यहाँ पर माइनस वन प्लस वन, ये जीरो बन जाएगा। तो ये माइनस वन यहाँ पर यहाँ बचेगा एक, तो एक ए ए, तो यानी कि ये जीरो हो जाएगा ये वाला। तो ए बराबर कितना है माइनस वन। अब पुट कर देंगे एक्स वैल्यू माइनस टू, तो अभी इसमें पुट कर देंगे, इसमें करना है पुट, तो ये वाला जीरो हो जाएगा, बी वैल्यू निकल आएगी। तो यहाँ माइनस टू रख देंगे, माइनस टू बराबर ए माइनस टू प्लस टू, ये जीरो हो जाएगा। बी माइनस टू प्लस वन, तो माइनस टू यहाँ पर आ जाएगा, ये जीरो बन जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा बी माइनस वन बचेगा माइनस का बी, तो बी बराबर कितना आ जाएगा टू। अब यहाँ पे देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, अब इसमें हम ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो यहाँ पे आ गए एक्स डी एक्स और एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे। और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी रखेंगे हमें, माइनस वन, तो माइनस वन रखेंगे, माइनस वन अपॉन यह आएगा एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस बी की वैल्यू टू, टू अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस, यहाँ पे ये किसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन का प्लस टू इंटू, और ये किसका हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का प्लस सी। तो इसमें ये आ जाएगा तुम्हारा, तो ये इसको ऐसा भी लिख सकते लॉग एक्स प्लस वन माइनस में, और इस टू को यहाँ पे होल स्क्वायर में लिख सकते हैं, लॉग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस सी। इसको ऐसा लिख दीजिए, ऐसा लिख सकते हैं, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा लॉग एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी, ये बन जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको ऐसा ही लिख दें लॉग यहाँ पे एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वन ये मोड में प्लस सी, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू दिया है इंटीग्रेशन करना अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन डी एक्स। तो इसको कैसे करेंगे हम, इसको आंशिक भिन्नों में व्यक्त कर देंगे, आंशिक भिन्नों में व्यक्त करने पर। तो
तो यहाँ वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस थ्री, तो इसको लिखेंगे ए बटे एक्स माइनस थ्री प्लस बी बटे एक्स प्लस थ्री। तो यहाँ पे जो एलसीएम ले लेंगे इसमें तो एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस थ्री। देखिए यहाँ पे वही चीज़ आएगी एक बटे एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस थ्री, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक बराबर क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी एक्स माइनस थ्री। तो यहाँ पे देखेंगे इसमें पुट कर देंगे, ये जीरो करना है तो एक्स बराबर कितना एक्स बराबर तीन पुट कर दो, तो एक यहाँ पे एक्स तो है नहीं है, तो एक बराबर हो जाएगा ए थ्री प्लस थ्री और बी थ्री माइनस थ्री, तो ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे एक बराबर छः ए प्लस जीरो, तो ए की वैल्यू आ जाएगी कितनी एक बटे छः। इसी प्रकार पुट कर दीजिए, इसमें ही पुट कीजिए, ये जीरो करने के लिए एक्स बराबर कितना पुट कर दो माइनस थ्री, तो एक बराबर ए माइनस थ्री प्लस थ्री प्लस बी, यहाँ पे एक्स जी है माइनस थ्री माइनस थ्री, तो यहाँ पे एक बराबर ये जीरो हो जाएगा माइनस सिक्स बी बन जाएगा, तो यहाँ पे बी बराबर आ जाएगा माइनस एक बटे छः। अब इसमें हम पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन करना है डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, यानी ये यानी कि इसको ए की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे एक बटे छः, एक बटे छः और इंटीग्रेशन हो जाएगा एक बटे एक्स माइनस थ्री डी एक्स, और बी की वैल्यू कितनी माइनस एक बटे छः, माइनस एक बटे छः हो जाएगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस थ्री डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं एक बटे छः, तो लॉग एक्स माइनस थ्री माइनस एक बटे छः लॉग एक्स प्लस थ्री, तो यहाँ पे प्लस सी। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक बटे छः कॉमन चला जाएगा और यहाँ बन जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री और माइनस लॉग एक्स प्लस थ्री प्लस सी, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक बटे छः लॉग एक्स माइनस थ्री अपॉन में लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री प्लस सी, अथवा इस क्वेश्चन को शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, अतः इसको ऐसा ही लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री स्क्वायर। तो ये फार्मूला होता है इसका, क्योंकि एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स का, एक फार्मूला हमने फाइंड किया था एक बटे टू ए लॉग एक्स माइनस ए बटे एक्स प्लस ए प्लस सी। तो देखिए एक बटे ये फार्मूला है फार्मूला, तो इसी के अनुसार इसमें एक बटे टू ए, ए की वैल्यू कितनी है तीन है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो दो तो तीन, यहाँ पे लॉग यहाँ पे क्या होता है एक्स माइनस ए, ए की वैल्यू तीन है एक्स माइनस थ्री बटे एक्स प्लस थ्री प्लस सी, तो ये शॉर्ट है इसमें एक बटे छः ये आ जाएगा लॉग एक्स माइनस थ्री बटे एक्स प्लस थ्री प्लस सी, ये आंसर।